Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में. और अब लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली डेली अपडेट्स का. तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली NCR की खास खबरों की ओर. जहांगीरपुरी वॉयलेंस हिंसा मामले में सनसनीखेज खुलासा. अंसार तो पैदा था, तरबेज निकला सरगना, यहां बैठकर रची साजिश. जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में नया खुलासा सामने आया है. दिल्ली पुलिस की जांच में अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि सोची समझी साजिश के तहत जहांगीरपुरी हिंसा को अंजाम दिया गया था. तरबेज आलम व इसराबोल इस हिंसा के सूत्रधार है. इन लोगों ने उत्तरी दिल्ली में बैठकर साजिश रची थी. पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट. दिल्ली मुंचका फायर केस, अब सभी की एजेंसियां भी जांच के दायरे में. पुलिस करेगी पड़ताल, सियासी बयानबाजी जारी. मुंडका इलाके की जिस इमारत में हादसा हुआ था वह भ्रष्टाचार का एक मिसाल है. यदि सिविक एजेंसियां अपना काम ठीक से करती तो शायद हादसे में इतने लोगों की जान नहीं जाती. नियमों के अनुसार लाल जोरे की किसी भी जमीन पर कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती. कुछ मामलों में फीस चुकाने के बाद लैंड यूज चेंज करने के बाद इसकी इजाजत भी दी जाती है. पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट. भाजपा के अतिक्रमण विरोध अभियान पर आज आप विधायकों की सीएम केजरीवाल के साथ बैठक. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान पर आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान शाहीनबाग, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, कारोलबाग, ख्याल और लोधी कॉलोनी समेत दिल्ली के कई और इलाकों में तीन स्थानीय निकाय की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी. पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट. मुंडका फायर केस, हौसला देकर बचाई पांच साथियों की जान लेकिन खुद जिंदा जल गई. मधु झकझोर देगी यह कहानी. अपनी बड़ी बहन सहित पांच महिलाओं को क्रेन से नीचे उतारने का हौसला देने वाली मधु खुद को नहीं बचा सकी. जिंदगी से जूझती महिला कर्मी ने एक बार फिर क्रेन से नीचे उतरने की कोशिश भी की लेकिन चंद सेकंड की देरी से क्रेन आगे निकल गई और मधु आग की लपटों में फंस गई. 24 घंटे से अधिक वक्त से अपनी पत्नी की तलाश में अमित के पांव तो थक गए लेकिन आंखों को मधु को देखने का बेसब्री से इंतजार है. पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट. गाजियाबाद में कंपनी कर्मचारी बन अपार्टमेंट में घुसी बदमाश. गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में कंपनी कर्मचारी बन अपार्टमेंट में बदमाश घुस गए और तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों पर खड़ी लड़की के साथ चेन लूट ली. अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट. कश्मीरी पंडित मामला, केजरीवाल बोले कश्मीरी पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं, भट्ट की हत्या के बाद डरा है समुदाय. घाटी में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या ने सभी को झकझोर रखा है. भट्ट की हत्या पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक कश्मीरी पंडित की उनके ऑफिस में हत्या कर दी गई. देश चिंतित है, कश्मीरी पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं. उनमें से कईयों को पीएम ने पैकेज के तहत भेजा गया था. इस घटना के बाद सभी डरे हुए हैं. अमरनाथ यात्रा, अमित शाह कल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, ये है फुल प्रूफ प्लान. अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट देखी जा रही है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जा रहा है. दो दिन पहले गृह मंत्रालय के अफसरों ने सुरक्षा का ड्राफ्ट तैयार किया तो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इन तैयारियों की जानकारी लेंगे और जरूरी निर्देश देंगे. बता दें इस साल अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी. मानसून ने समय से पहले दी दस्तक, प्रचंड गर्मी के बीच जल्द आएगा बारिश का दौर. दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ देश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. दिल्ली में रविवार को तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया लेकिन आसमान से बरसते अंगारों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है कि मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है. दक्षिण पश्चिम मानसून ने सोमवार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आगाज कर दिया है जो 4 महीने लंबी चलने वाली मौसमी बारिश की शुरुआत का संकेत है.
दिल्ली में जल संकट, 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में 17 मई से जल आपूर्ति रहेगी प्रभावित, दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच जल संकट भी होने लगा है। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि 17 मई की सुबह और आगे कुछ और दिन कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने एक सूचना में कहा है कि यमुना के वजीराबाद वाटर वर्क्स में जल स्तर 674.50 फीट से घटकर 659.40 फीट रह गया है। साथ ही हरियाणा से यमुना का पानी छोड़ने में भी कमी आई है। ऐसे में वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पेयजल की आपूर्ति पर असर पड़ा है। सीएम योगी के घर पहुंचे यूपी के सभी मंत्री, पीएम मोदी के साथ शुरू हुई अहम बैठक। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 कालिदास मार्ग पहुंचे, यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक शुरू हो गई है। लगभग 2 घंटे 30 मिनट यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी का संवाद और डिनर का कार्यक्रम है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।